बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बीपीएससी 28 जनवरी 2023 को 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के एडमिट कार्ड को जारी कर देगा। ऐसे में जो उम्मीदवार एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक साइट पर जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार एग्जाम 12 फरवरी को होगी। वहीं इसके अलावा इस बार होने वाले एग्जाम में कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। इस बार वैकल्पिक पेपर में 300 सवालों की जगह 100 प्रश्न होंगे। इसके अलावा बीपीएससी 68वें मेंस एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। बीपीएससी 68वें एग्जाम राज्य के 38 जिलों के 205 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। बीपीएससी 68वीं सीसी ई प्रीलिम्स परीक्षा के लिए ई एडमिट कार्ड 28 जनवरी 2023 को जारी कर दिए जाएंगे। आवेदक बीपीएससी 68वें एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं इस बार आयोग की तरफ से बीपीएससी 68वें एग्जाम के लिए हॉल टिकट डाक से नहीं भेजे जाएंगे। आयोग की तरफ से 20 जनवरी को अपात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। इस लिस्ट में कहा गया था कि इस बार कुल 771 उम्मीदवारों को आयोग घोषित किए गए हैं। ये उम्मीदवार इस बार एग्जाम में बैठने के पात्र नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।